YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ मैं हूँ शिव। अगर सोचना है तो कुछ बड़ा ही सोचो, इस कहानी से हम समझते हैं। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। उसके घर में कभी कभार ही सब्जियां बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए रोटियां ही रखी थी। सफर के दौरान उसे आधे रास्ते में भूख लगी, उसने अपना टिफिन खोला और रोटियाँ खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उस टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो गए। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक युवक से रह नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया। उस व्यक्ति ने उस युवक से पूछा कि भैया, तुम्हारे पास तो सब्जी है ही नहीं और तुम खाली टिफिन में रोटी डालकर ऐसे खा रहे हो मानो कि उसमें सब्जी हो। उस युवक ने जवाब दिया कि भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, फिर भी मैं यह सोचे खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं अचार रोटी खा रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो, क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? उस युवक ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं रोटी के साथ अचार सोचे खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें अचार का स्वाद भी आ रहा है। ट्रेन में सभी यात्रियों ने उस व्यक्ति की इस बात को सुना और उसमें से एक यात्री ने बोला। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें सोचना ही था तो अचार की जगह मटर पनीर या फिर शाही गोभी सोचते, तुम्हें उसका भी स्वाद मिल जाता। उस व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार के बारे में सोचा तो अचार का स्वाद आया, अगर तुम स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उसका भी स्वाद आता। जब सोचना ही था तो बड़ा सोचते, छोटा ही क्यों? दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमको हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।